Hi everyone, welcome to my channel My Life Vlogs UK. If you like my channel, don't forget to subscribe, like, share, and don't forget to press the bell icon if you don't want to miss my latest videos. Assalamu alaikum everyone. Allah Taala se dua hai aap jahan bhi rahe khairiyat se rahe. To ye main bana rahi hu subah ka breakfast. Bachcho ke holidays hai to unke liye nashta ho raha hai. Sabki apni apni different farmaish hai. मेरी बेटी को चाहिए बटर ब्रेड साथ में फ्राइड एग उसके ऊपर चीज़ मैं डालूँगी और आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है मुझे फ्लू लगी है आई होप आपको मेरी सही समझ आ रही हो वैसे मेरे साथ ये एलर्जी की वजह से होता है मेरे गला ख़राब हो जाते हैं और मेरी वॉइस थोड़ा सा चेंज हो जाती है वो मैं एग बॉयल्स कर रही हूँ मेरी बेटी को फ्राइड एग चाहिए था और सबको बॉयल एग चाहिए तो मैं अभी उनके लिए दूध डालूँगी तो अब अल्लाह का शुक्र है मौसम भी इधर अच्छी हो चुकी है क्योंकि बारिश थी सैटरडे भी संडे भी बारिश थी तो अब अल्लाह का शुक्र से नाइस है पहले तो बहुत गर्मी हो चुकी थी बहुत ही मुश्किल हो रहा था इस तरह का खाना वगैरह भी खाना सभी कभी आइसक्रीम और मिल्क शेक की फरमाइश कर रहे थे सबको यही चाहिए था और आज सुबह सुबह सबका दिल कर रहा है कि गर्म गर्म ब्रेकफास्ट खाया जाए वैसे सर्दी हो गर्मी हो मैं तो सुबह की टाइम पे एक कप ठीका लेती हूँ बाकी जो मेरे घर में हैं वो तो आइसक्रीम मिल्क शेक इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं फ्रूट भी खा लेते हैं सुबह मगर मुझे टी ना मिले तो मज़ा ही नहीं आता मेरे बच्चे मुझसे बोलते रहते हैं कि मम्मा ठंडी चीज़ खाओ सुबह इतनी गर्मी में हाथ टी क्यों पी रही हो मगर मुझे मज़ा नहीं आता आई थिंक सारी खवातीन ऐसे होंगे मुझे बताइएगा ज़रा आप कॉमेंट्स करके आप भी इस तरह करते हैं गर्मी में टी पीते हैं मेरी तो आदत है मुझे टी ना मिले तो मज़ा ही नहीं आता तो अभी मैं फील कर रही हूँ एग्स अपने लिए और बेटे के लिए बाकी दो एग्स जो हैं वो इसी तरह छोड़ूंगी ये मेरी बेटी की फरमाइश है कि उसे इस तरह से खाना है तो अब मैं इस तरह काट के स्लाइसेस उसके लिए ब्रेड में लगाऊँगी आप लोग मुझे बताएं कि बच्चों के हॉलीडेज़ में क्या करते हैं कैसे बिज़ी रखते हैं आप बच्चों को मेरे लिए तो बस इस तरह होता है कि हमें प्लान बनाना पड़ता है कहीं ट्रिप पे जाना पड़ता है वरना मैं बहुत सारे कलरिंग स्टफ़ ले आती हूँ जैसे कि बच्चों के छोटे छोटे चीज़ें होती हैं एक्टिविटीज़ जिनके साथ वो बिज़ी रहते हैं ये है इस्माइल का ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है इसको मैं आधे से काटूँगी क्योंकि वो पूरी ब्रेड को होल्ड सही तरह से नहीं कर पाता मैं साथ में अपने लिए भी बटर ब्रेड बना रही हूँ जिसके ऊपर मैं भी बॉयल एग लगा लूँगी और ये है मेरा टी इंग्लिश टी है अभी मैं देसी टी नहीं पीती थोड़ा सा भारी हो जाता है मेरे लिए तो ये मेरा इंग्लिश टी है तो हम इधर आ गए हैं थोड़ी टाइम के लिए वेल थोड़ी टाइम तो नहीं ज़्यादा टाइम हो गई है हमने वॉक किया इधर और ये दो डक्स हैं जिनको मैं रिकॉर्ड करना चाह रही थी क्यूट हैं स्विमिंग कर रही थी दोनों तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी मैंने सोचा इनकी थोड़ी सी क्लिप बना लेती हूँ और पीछे से देख रहे हैं उधर से हम सारा वॉक करके आए हैं इधर बहुत लंबी टाइम लगी हमें तो वो खा पाक भी आपको दिखाई दे रहा था उधर और ये वाली जो साइड है ये दूसरी तरफ से मैंने इधर से खड़े होकर रिकॉर्ड किया है इसको बस अभी थोड़ी देर में हम इधर से जाने वाले हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत मज़ा आ रहा है और ये देखें डक स्विमिंग कर रही है ये इधर मम डक और बेबी डक्स हैं छोटे छोटे बेबीज़ हैं बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया बहुत ही मज़ा आया मुझे ख़ुद भी अच्छा लगा क्योंकि इधर से ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी मौसम कुछ क्लाउड सा हो गया मगर हमने इन्जॉय बहुत किया हमने बहुत सारा वॉक किया इसके अराउंड जो वाटर मैंने आपको दिखाया इसके हम अराउंड सारा वॉक करके इधर तक आए और अब हम घर ही जाने वाले हैं
ये मैंने अभी फ्रिज से निकाले हैं राइस, जो मैंने रात को बना के फ्रिज में रख दिए थे, ये मैं अपने लिए डाल रही हूँ। मैंने गोश्त और आलू साथ मिक्स पकाए थे, बच्चों ने कुछ खा लिया और कुछ सालन बच गया था, कोई नहीं खा रहा था। मैंने सोचा चलो उसके अंदर राइस डाल देती हूँ। राइस तो जैसे भी हो मैं खा लेती हूँ, राइस इज़ माई फेवरेट फूड। और मेरी बेटी को पसंद है मीट के राइस, वो और कोई चिकन वगैरह के राइस नहीं खाती, तो उसे मीट यखनी पुलाव पसंद है। ये तो मैंने सालन में डाले हैं, इनका रंग येलो है, वो खा लेगी, मगर उसके फेवरेट जो है वो है मीट पुलाव, यखनी का जो होता है। तो अब मैं ये अपने लिए गर्म करूँगी, और साथ में मैंने फ़िश फिंगर्स रख लिए हैं। बच्चों ने तो खाना खा लिया है। आज ट्यूसडे का दिन है और थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, बारिश इतनी नहीं हुई, सुबह रेन लगा हुआ था थोड़ा थोड़ा। तो ये मैंने फ़िश फिंगर कर लिए हैं। अब मैं दो तीन फ़िश फिंगर ईसा के लिए रख दूँगी, वो खाएगा तो दो ही, मगर मैं तीन रख रही हूँ, पता नहीं होता। तो मैंने अपने लिए चावल गर्म कर दिए थे माइक्रोवेव में रखे, अब मैं अपने लिए फ़िश फिंगर डाल रही हूँ। तो कभी कुछ, क्योंकि रात को भी मैंने राइस खाए थे, तो अभी कुछ डिफरेंट खाने को दिल कर रहा था, तो सोचा चलो साथ में फ़िश फिंगर्स रख लेती हूँ, इजी है, जल्दी हो जाएंगे, ये 10-15 मिनट में हो जाते हैं। तो अभी हम किधर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं वॉक पे, क्योंकि ईसा जब 100 कर उठा बहुत ही तंग हो गया था, बोर्ड हो गया था, तो हमने सोचा चलो थोड़ी देर के लिए हम बाहर चलते हैं, वॉक करके आते हैं, फ्रेश हो जाएंगे। ईसा फिर पीछे मुड़ के देख रहा है कि मम्मा मेरा हाथ पकड़े, और मेरी बेटी जो है उसका हाथ नहीं छोड़ रही, क्योंकि अभी वो छोटा है, रोड पे भी जा सकता है। ईसा ने इधर फ्लावर्स देख लिए थे, थोड़ी टाइम के लिए रुक गया था, उसके फेवरेट हैं फ्लावर्स, अभी उसे फ्लावर्स बोलना नहीं आता, वो फ्लावर्स को लाला बोलता है। हम सबको ही बहुत मज़ा आता है जब वो फ्लावर्स को लाला बोलता है ना, क्यूट क्यूट साउंड निकाल के, तो बहुत अच्छा लगता है। ये है एक डिज़र्ट शॉप, हम इधर आ गए हैं। इधर से मेरी बेटी को मिल्क शेक चाहिए था, तो मैं इसका नाम अंदर से आपको दिखाऊंगी, ये है इसका नाम शॉप का। और अभी हम वेट कर रहे हैं, ऑर्डर दे दिया है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं। मेरी बेटी ने फ्लेक मिल्क शेक की ऑर्डर दिया है, और मेरे बेटे इस्माइल को नहीं चाहिए था मिल्क शेक, वो कह रहा था कि मम्मी मैं पिज्ज़ा लूँगा, इधर साथ ही पिज्ज़ा शॉप है, तो हम बाहर जाएंगे। ये आपने देखी होगी बिग स्माइल इसके चेहरे पे, क्योंकि कोई चॉकलेट वाली चीज़ हो बच्चों के चेहरे पे बिग स्माइल आ जाती है। तो ये है पियन, जिधर हम जाएंगे, इधर से मुझे स्माइल के लिए पिज्ज़ा ऑर्डर करना है, तो मैं मेन्यू लेके बैठी हुई हूँ, चेक कर लूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज हमारा भी पिज्ज़ा खाने का दिल था, तो मैं ऐसे कन्विंस कर रही थी कि चलो लार्ज पिज्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, मगर ये कह रहा था कि नहीं मम्मी मुझे अपना चाहिए छोटे वाला स्मॉल पिज्ज़ा। तो मैं अब इसके लिए स्मॉल पिज़्ज़ा इधर से लूँगी, साथ में मैं फ्राइज़ ले लूँगी, और इसके बाद फिर पिज़्ज़ास के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे साथ बच्चे हैं और इनके हाथों में अपना अपना पकड़ा होगा, एक के हाथ में मिल्क शेक और दूसरे के हाथ में पिज़्ज़ा, और मेरे हाथ में तो फ्रॉम होगी सकी, तो पिज़्ज़ा के लिए दो हाथ चाहिए होते हैं, तो अभी मैं साथ नहीं लेके जा सकती, तो इनके डैडी आएंगे बाद में, वो मेरे लिए भी और अपने लिए भी पिज़्ज़ा वगैरह लेके जाएंगे इधर से, और साथ में फ्राइज़। तो अभी हम वेट कर रहे हैं ऑर्डर का, ऑर्डर हमने दे दिया है और ये आने वाला है पिज़्ज़ा, इसका आ चुका है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये है इसका छोटा सा बेबी पिज़्ज़ा, और ये बहुत ही खुश हो रहा है कि इसका अपना है छोटा सा। मैंने तो इसे कहा था कि चलो हम दूसरा ले लेते हैं लार्ज वन, मगर इसने मेरी नहीं सुनी, और ये मैंने फ्राइज़ ले लिए साथ में, और अब हम घर जा रहे हैं। और सॉरी अगर मुझसे उल्टा पुल्टा रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि मेरे एक हाथ में ईसा की फ्रॉम पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में मेरे फ़ोन है, बच्चे मुझे हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि एक मिल्क शेक इन्जॉय कर रहा है और दूसरा जो है वो अपने पिज्ज़ा को देख के हैप्पी है, उसके हाथ में पिज्ज़ा पकड़ा हुआ है। और ये है आगस, इधर से मुझे कुछ चीज़ लेनी थी, मगर अब मेरे पास टाइम भी नहीं है और मेरे हैंड भी नहीं बनती कि मैं जा के चेक करूँ। तो जब हम घर पहुंच गए, उसके बाद इनके डैडी गए और हमारे लिए पिज़्ज़ाज और साथ में फ्राइज़ लेके आए, और हमारी भी अपनी अपनी चॉइस थी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ किसकी चॉइस है, ये तो मेरी चॉइस नहीं है, ये चीज़ एंड टमाटो पिज़्ज़ा है, और मैंने ऑर्डर करवाया है चिकन।
चिकन वाला मैं पिज्ज़ा भी खाऊँ ना तो मुझे अच्छा लगता है कि मीट का या चिकन का हो, वरना मुझे चीज़ टमाटो पिज़्ज़ा इतना पसंद नहीं है। खा लेती हूँ मैं, मगर मेरी पसंद जो होती है ये है आपको जो दिखा रही हूँ। मेरे वाला जो है चिकन तंदूरी है। आप मुझे बताएं आप लोगों की क्या चॉइस होती है पिज़्ज़ा में, आप लोगों को जो चीज़ एंड टमाटो पिज़्ज़ा अच्छा लगता है या कि चिकन वगैरह या मीट का। मेरी तो ये चॉइस है जो आपको दिखा रही हूँ। साथ में ये सॉस है, चटनी वगैरह जिसे हम बोलते हैं, तो ये सॉसेज मैं अब बैग से निकाल रही हूँ, एक साइड पे चली गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये चिली सॉस है और दूसरी जो है वो खस्पियन की अपनी सॉस है। इसमें मेयोनेज़ होता है, मैं पहले मेयोनेज़ खाती थी ये वाली सॉस, मगर अब मैं ये इतना नहीं खाती क्योंकि पिज़्ज़ा खाओ तो वो भी ग्रीसी होता है, चीज़ जो होती है ऑयल अपना छोड़ देती है, तो इसमें भी ज़्यादा मोस्टली मेयोनेज़ में ऑयल ही होता है। तो ये था आज का व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, आप सब लोग मेरी दुआओं में हो। टेक केयर एवरीवन।